देख रहे हैं यूपी क्राइम न्यूज। बिजनौर थाना कोतवाली क्षेत्र में मोहित पेट्रोकेमिकल का वेल्डिंग करते समय टैंक फटने से 7 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 2 लोगों की अभी भी हालत गंभीर बताई जा रही है, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। इस हादसे को लेकर तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं। जिला प्रशासन के अधिकारियों और पुलिस ने मिल मालिक और सीनियर मैनेजर की लापरवाही मानते हुए मुकदमा भी दर्ज कर लिया है, जिसमें पुलिस ने मिल के DGM सुरेश पवार को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन मालिक अब भी फरार है। फिलहाल प्रशासन ने फैक्ट्री को सील कर दिया है। अभी तो फिलहाल सुरक्षा की दृष्टिकोण से, और चूंकि इसमें एक जाँच भी, एक IO भी इसमें नियुक्त है, जाँच भी हो रही है, FIR भी दर्ज हो रही है, तो जांच भी ना प्रभावित हो सके, चूँकि वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, पेट्रोकेमिकल प्लांट है, तो जैसे ब्लास्ट, आप जैसे जानते हैं कल ब्लास्ट हुआ, तो सुरक्षा के कारणों से उसको आंशिक रूप से सील कर दिया गया है, जिससे भी किसी प्रकार से संचालन ना हो पाए, जिससे लोगों को, चूँकि आसपास में आबादी भी है, जिससे किसी भी प्रकार का नुकसान ना, इसीलिए उसको मुझके मतलब ध्यान में रखते हुए उसको आंशिक रूप से सील कर दिया। इस हादसे के बाद जहां जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया था, वहीं हादसे की खबर मिलने से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्यालय से इस घटना पर अधिकारियों से बातचीत कर इस घटनाक्रम में दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के दिशा निर्देश जिले के अधिकारियों को दिए थे। इसी कड़ी में SDM सदर ब्रजेश कुमार सिंह और CO सिटी महेश कुमार की मौजूदगी में फैक्ट्री को सील कर दिया गया है। यूपी क्राइम न्यूज के लिए संवाददाता सलीम अहमद की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं यूपी क्राइम न्यूज।